दोस्तों सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। वनराज लगाने वाला है अपने बेटे समर की मौत का इल्ज़ाम अनुज कपाड़िया के ऊपर। ऐसे में एक माँ की ममता जाग उठेगी। माँ की ममता सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएगी। वो सीधे अनुज कपाड़िया से सिर्फ एक ही सवाल पूछेगी कि क्या वनराज जो कह रहा है वो सच है, क्या मिस्टर शाह ने जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया है क्या वो सच है। यहाँ पर मिस्टर कपाड़िया यानी कि अनुज इस बात की सफाई देने की कोशिश करेगा कि अनु जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन अनुपमा कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि सिर्फ इतना बताइए कि आपकी गलती थी या नहीं, और अनुज हाँ कह देगा, जिसको सुनने के बाद अनुपमा पूरे तरीके से हिल जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि अनुज मेरे बच्चों को अपना नहीं मानते। दोस्तों कहानी में अब अनुज और अनुपमा के रिश्ते को ग्रहण लगेगा। इन दोनों के रिश्ते को टूटने से अब कोई नहीं बचा पाएगा। कहानी में क्या कुछ होने वाला है हम आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हाल ही में ये खबर सामने आई है कि अनुज कपाड़िया और साथ ही साथ सारे के सारे घर के मर्द एक पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। पार्टी से ठीक पहले समर और डिम्पी इस बात का खुलासा करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, यानी कि हम पेरेंट बनने वाले हैं, और इसी खुशी में सारे मर्द कहते हैं कि भाई पार्टी तो बनती है, और सब लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं तो घर में आती है समर की लाश। ये देखते ही जो वनराज है वो ज़ोर से चिल्लाता है और अनुपमा को कहता है कि तुम जानती हो हमारे बेटे की मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा पति अनुज कपाड़िया। ऐसे में अनुज अपनी सफाई देने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी सफाई कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि अनुपमा भी नहीं सुनती, और वो गुस्से में पागल हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर अनुज कैसे साबित करेगा कि मैं बेगुनाह हूँ? अनुपमा सुनना ही नहीं चाह रही। वो अपने बेटे की मौत से इस कदर सदमे में है कि वो कुछ भी सोचने समझने की फिराक में नहीं है। इसी चक्कर में अनुज को अनुपमा ये तक कह देगी कि आप अपनी माँ का दुख नहीं समझ पाए थे, आपकी माँ आपके लिए इतना रोई, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरा दुख क्या समझेंगे? आप अपनी सगी माँ के दर्द को नहीं समझ पा रहे तो आखिर आप मेरा दर्द कैसे समझेंगे? आप तो उनके सगे बेटे हैं, लेकिन समर आपका तो कुछ नहीं लगता, समर तो मेरा बेटा था। यह सुनकर कहीं ना कहीं अनुज का दिल टूट जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो एक लीप होगा या फिर सिर्फ कुछ दिनों का, ये कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल कहानी के इस ट्विस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।